हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने जो वीडियो या टॉपिक लेकर आया हूं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से अगर आप यंग कपल हैं, न्यूली मैरिड हैं और बहुत जल्दी आप बच्चा प्लान कर रहे हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा भी हो सकती है अगर आपको उसके लक्षणों के बारे में ना पता लगे, क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों से मिमिक करती है और कई बार आप या कई बार डॉक्टर भी इसको इग्नोर कर जाते हैं ये मानते हुए कि शायद कोई और लक्षण होगा। तो हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, इसका समय रहते इलाज क्या हो सकता है और क्या इससे बचा जा सकता है। एक्चुअल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस किसी दूसरी जगह डेवलप हो जाए, फीटस दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाए और बच्चेदानी के अंदर ना पहुंचे, तो इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सबसे ज्यादा केसेस में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है, यानी कि जो आप दोनों साइड में यूट्रस के देख रहे होंगे फैलोपियन ट्यूब, इनमें से किसी एक साइड की ट्यूब में ही है, वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पर ग्रो करने लगता है और आगे जो इसको यूट्रस में जाना चाहिए या बच्चेदानी में जाना चाहिए वह नहीं पहुंचता है। जब तक ट्यूब का साइज उसको बर्दाश्त करता है तब तक तो वो मैनेजेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे फिटस का साइज बढ़ने लगता है फिर मरीज को बहुत तेज दर्द होता है और बहुत बार ये रप्चर भी हो जाता है, जिसको रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है। इसके लिए इमरजेंसी इमिडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? अक्सर जो है मरीजों को अगर ये राइट साइड या लेफ्ट साइड का ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसी तरीके से बहुत तेज एक्यूट पेन एब्डोमेन होता है, जनरली जैसे लोगों को अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है या गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द होता है या किडनी स्टोन का दर्द होता है, तो मरीज को लगता है कि शायद ये मुझे उसी किसी बीमारी की वजह से दर्द है और जनरली पहले कुछ हफ्तों में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। हो सकता है आपने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी ना कराया हो या आपको दूसरे प्रेगनेंसी के अभी लक्षण ना आए हो। आपको अगर मेंसेस आने बंद हो गए और इस तरह का दर्द होता है तो पहला इंडिकेशन है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, या आपने अभी आप न्यूली मैरिड हैं या बच्चा प्लान कर रहे थे और अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो भी आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले करके देख लें। अगर ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिना देर किए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलना चाहिए सो दैट समय रहते इसका इलाज किया जा सके। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही एक तरीका होता है, बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बिना सर्जरी इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरवेंशन सही समय पे ना हुआ तो ये फिर जब रप्चर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सेप्टिसीमिया हो सकता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है जो जानलेवा कंडीशन होती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी अनजाने में मौतें हो जाती हैं, ख़ासतौर से उन इलाकों में जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है या जो लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इसको देखने की या समझने की ज़रूरत है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।